उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि मंडी में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य 23 मई में पूरा किया जाएगा। इसके निर्माण में जनभावनाओं का पूरा ख्याल रखते हुए इसे एक उपयुक्त स्थल पर इस प्रकार विकसित किया जाएगा जहां लोग सेना के जवानों और देश की सुरक्षा में किए गए उनके असाधारण प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि मंडी में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य 23 मई पर पूरा किया जाएगा। इसके निर्माण में जन भावनाओं का पूरा ख्याल रखते हुए इसे एक उपयुक्त स्थल पर इस प्रकार विकसित किया जाएगा जहां लोग सेना के जवानों और देश की सुरक्षा के लिए उनके असाधारण प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त कर सकें। उपायुक्त शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस पर मंडी के सेरी मंच पर आयोजित जिल स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इससे पहले कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपायुक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व सैनिकों एवं शहीदों के परिजनों व अन्य लोगों ने सेरी मंच के समीप कारगिल पार्क में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर उन्होंने सभी वीर सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को स्मरण कर नमन किया। उपायुक्त ने उपस्थित सभी लोगों को देश के गौरव में इतिहास की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहने की प्रतिज्ञा दिलाई। आशुतोष गर्ग ने कहा कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन शहीदों के आश्रितों, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्रतिबद्ध है। ये तय बनाना है कि उन्हें सभी जरूरी सेवाएं आसानी से मिल सके और अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने लोगों से, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि अपने प्रत्येक कार्य में देशहित को सर्वोपरि रखें। हर काम करते हुए इस बात का ध्यान दें कि ये काम देशहित में हो। गर्ग ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। 26 जुलाई 1999 को भारत के शूरवीरों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई थी। सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। देश की रक्षा की हर एक लड़ाई में हिमाचल के वीर सपूतों का बड़ा योगदान रहा है। मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा हो या अपनी शूरता के लिए परमवीर चक्र पाने वाले सूबेदार संजय कुमार हो, उन पर हर देशवासी को गर्व है। हम कारगिल युद्ध में शहीद हुए मंडी जिले के रणबांकुरों और यहां के वीर सैनिकों और उनके परिजनों के सदा ऋणी रहेंगे। हमारे लिए एक बहुत गर्व का दिवस है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 20 वर्ष पूर्व जो है 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में, जिसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था, उसमें जीत हासिल की और हमारे दुश्मन पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों को वहां से खदेड़ा था। डिटेल में इसके बारे में मुझसे पहले भी कर्नल प्रताप सिंह बता चुके हैं। और मंडी में हमें ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो कारगिल की विजय ज्योति जो इस वर्ष दिल्ली से चली थी, वो यहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको रिसीव किया और आज वो ज्योति जो है द्रास में, जो हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल है, उस वॉर मेमोरियल में अखंड ज्योति में विलीन हो जाएगी। वहाँ पे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने आज वहाँ जाना था, लेकिन किसी वजह से, शायद वेदर की कारण, वो दुर्भाग्यपूर्वक वहाँ पे शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन वो विजय ज्योति जो है आज उस अमर ज्योति में विलीन हो जाएगी और हमें ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पे उस विजय ज्योति को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ रिसीव किया। यहाँ पे उस दिन भी हम सब उपस्थित थे और आज एक और वही दिन है जिस दिन हम अपने वीर सैनिकों, अपने योद्धाओं के साहस, उनकी वीरता को याद करें और उस वीरता को ना केवल याद करें बल्कि अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने हर एक काम में हम ये चीज का ध्यान रखें कि जो हमारा हर एक एक्शन है, हमारा हर एक कार्य जो हम जो भी कर रहे हैं, वो देशहित में है या नहीं, ये चीज अगर हम लोग अपने अपने मन में, अपने डेली लाइफस्टाइल में रखें, तो मुझे लगता है उन शहीदों के लिए, उन वीर जवानों के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती। और अगर हम कारगिल की बात करें, इस युद्ध की बात करें, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हम इसके बारे में पढ़ें, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर हिमाचल का जिक्र ना हो तो वो चीज़ अधूरी रहेगी, क्योंकि हमारे वीर सैनिक, चाहे वो कैप्टन बत्रा हो, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, चाहे वो राइफलमैन और अब सूबेदार संजय कुमार हो, तो ऐसे बहुत सारे सैनिक हमारे प्रदेश के, हमारे सभी जिलों के थे, जिन्होंने इस युद्ध में
कंट्रीब्यूट किया देश के लिए, अपनी जान दी, और आज का ये दिन है जब हम उनके करेज, उनके वैलर, उनके साहस को याद करें और उनको नमन करें। इस मौके पर पूर्व सैनिक लीग के जिला अध्यक्ष कर्नल प्रताप सिंह ने कारगिल विजय की शौर्य और पराक्रम की कहानी सबसे साझा की। उन्होंने कहा, करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल की लड़ाई लड़ी गई। इस जंग में देश के 527 वीर योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी, वहीं 1367 सैनिक घायल हुए थे। हिमाचल के 52 रणबांकुरों ने अपनी शहादत दी, इनमें मंडी जिले के 12 शूरवीर शहीद हुए। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक लीग के महासचिव कैप्टन हितराम शर्मा ने भी सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कारगिल विजय दिवस समारोह के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। मैं कर्नल प्रताप सिंह, जिला मंडी एक्स लीग का चेयरमैन हूं, और आज हम मंडी शेरी मंच पे एकत्रित हुए हैं। हमारे जो ऑपरेशन विजय था, कारगिल दिवस जिसे कहा जाता है 26 जुलाई को, जिसे पूरे देश में मान सम्मान और गर्व के साथ मनाया जाता है, यहाँ पर भी हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, इलाकों से, मंडी जिला के कोने कोने से एक्स सर्विस मैन, बाकी स्थानीय जनता और यहाँ की पुलिस, एनसीसी के बच्चे, इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है और इस समारोह को काफ़ी कामयाब बनाया है। इसमें हमारे जिला के उपायुक्त उपस्थित थे और यह उन्हीं की तरफ से यह बंदोबस्त किया गया था, ताकि हम अपने वीर सैनिकों ने, जिन्होंने कि अपनी सर्वोच्च बलिदान इस देश की सुरक्षा के लिए, हम लोगों की सुरक्षा के लिए दिया है, उसको हमने आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इस युद्ध में हमारे तकरीबन 527 भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और जिसमें 52 शहीद हिमाचल के थे, और 52 में से मंडी जिले का सबसे ज़्यादा योगदान है, और उसमें 12 सैनिकों ने अपना जीवन कुर्बान किया है इस देश की सुरक्षा के लिए। कुल परमवीर चक्र, जो कि युद्ध का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, हिमाचल के 4 लोगों को मिला, जिसमें से पूरे वॉर में 4 लोगों को मिला, जिसमें कि दो जो हिमाचल के थे, कैप्टन बत्रा और राइफलमैन नाव सूबेदार संजय सिंह, इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ये बड़े गर्व की बात है कि यदि हम शहीदों का नाम लें और हिमाचल का नाम उसमें ना आए तो ये एक अधूरा चक्र रहता है। इसलिए हम प्रदेशवासी, जिलावासी और हम अपने पूर्व सैनिक, सभी लोगों से दुआएं करते हैं, सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं, सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि वो भी सच्चे दिल से हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें, तथा उनके परिवारों, उनकी माताएं, उनकी बहनें, उनके बच्चे, उनके लिए, उनको क्षतिपूर्ति के लिए उनको साहस दें, ताकि वो इस क्षति को सहन कर सकें। इस अवसर पर उपायुक्त ने जिले से संबंधित वीर नारियों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने शहीद नायब सूबेदार खेमचंद की पत्नी प्रोमिला देवी, शहीद हवलदार कृष्णचंद की पत्नी धानी देवी, शहीद नायक श्रवण कुमार की पत्नी कांता देवी, शहीद सिपाही टेक सिंह की पत्नी बीना देवी, शहीद हवलदार गुरदास सिंह की पत्नी सीता देवी, शहीद ग्रेनेडियर नरेश कुमार की माता सत्या देवी, शहीद सिपाही हीरा सिंह की माता निर्मला देवी, शहीद ग्रेनेडियर पूर्णचंद के पिता रामदास को सम्मानित कर प्रशासन की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डीडी ठाकुर एवं कन्हैया लाल, नगर परिषद के उपाध्यक्ष वीरेंद्र भट्ट, कर्नल के मंडियाल, कर्नल के मल्होत्रा, कर्नल हरीश बैद सहित वीर नारियां, शहीदों के परिजन एवं बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे।